जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सशस्त्र सीमा बल HC मिनिस्ट्रियल भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर आपको यहां पर पहली वेबसाइट को ओपन करना है। इसके बाद आप यहां पर आ जाओगे। अब यहां से दोस्तों आपको जो टुडे बेस्ट जॉब के अंदर SSB HC मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2021 देखने को मिल पा रही है, ये आपको ओपन कर लेनी है। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आप यहां पर सर्च में इसको सर्च कर लीजिए, SSB HC मिनिस्ट्रियल। इसके बाद आपके सामने पोस्ट आ जाएगी और आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। बट यहां से जानकारी मैं आपको थोड़ा बाद में दूंगा, मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसकी जानकारी कंफर्म कराता हूं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को यहां पर डाउट होगा कि ये भर्ती कहीं पर फेक तो नहीं। बट मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती पूरी तरीके से रियल है, जिसके फॉर्म आपके जो स्टार्ट होंगे वो एक्सपेक्टेडली 17 जुलाई 2021 को होने वाले हैं। एक्सपेक्टेडली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आपको यह बोला है कि इस नोटिस के इंप्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आने के 30 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि आपका 9 जुलाई का तो जो इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है आ चुका है और इसके अंदर इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर जो आपका 17 जुलाई का एडिशन आएगा उसके अंदर आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है और फिर उसके 30 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर ही पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर फिर से नोटिस पर आते हैं और जो डिटेल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी पोस्ट का नाम यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल है, जो कि ग्रुप सी की कैटेगरी के अंतर्गत रखी गई है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस पोस्ट पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये दी जाएगी और ये 7th CPC के अंतर्गत आती है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी वैकेंसी वो टोटल आपकी 115 है, जिसमें कि UR के लिए 47, EWS के लिए 11, OBC के लिए 26, SC के लिए 21 और ST के लिए 10 है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों इस पर अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी इंटरमीडिएट या फिर आप कह लीजिए कि 12th, तो आपसे अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य एलिजिबिलिटी है 12th के अलावा वो भी यहां पर दी गई है। आपको बोला है कि इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, यानी कि अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, और अगर आपको हिंदी आती है तो यानी कि हिंदी वाली टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर 5 वर्ड्स की छूट हिंदी टाइपिंग को दी गई है। तो इसमें से आपको कोई एक टाइपिंग ही आनी चाहिए, दोनों टाइपिंग कंपलसरी नहीं है। और जो लास्ट डेट है जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने बात की थी वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि दी क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, जो कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। आई होप ये जो आपका नोटिस है डिटेल्ड में आपके आने वाले 17 जुलाई 2021 के एडिशन के अंदर आ जाए और उसके 30 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाए। फिर यहां पर दोस्तों कितनी फीस किसको पे करनी है उसकी जानकारी भी दी गई है। इसमें UR, EWS एंड OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जो कि आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी है, जिसमें कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो SC ST सर्विसमैन कैंडिडेट है और जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जानी आपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी जो कि इस शॉर्ट नोटिस में दी गई है। अभी और डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हो तो आपने चेक कर ही ली है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड एंड इफिशेंसी टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो आपकी रेस है वो 3.2 किलोमीटर की होगी, जिसके लिए आपको 14 मिनट का समय दिया जाएगा और ये मेल के लिए रहेगी। 1600 मीटर की दौड़ फीमेल के लिए होगी, इनको यहाँ पर 8 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। हाइट यहाँ पर UR यानी कि जनरल OBC SC के लिए मेल में 165 सेंटीमीटर कम से कम रखी है, फीमेल में 155 सेंटीमीटर रखी है। हाइट ST में यहाँ पर मेल में 162.5 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल में 150 सेंटीमीटर रखी है।
इसके अलावा दोस्तों चेस्ट की अगर बात करें तो यू आर ओबीसी एससी में चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाओ आपका जरूरी है चेस्ट को फुलाने पर। चेस्ट एसटी पर 76 बिना फुलाए और 81 फुला करके हो जानी चाहिए। फीमेल जो कैंडिडेट है इनसे चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। इसमें यहां पर दोस्तों आपको बोला है कि पहले आपकी डॉक्यूमेंट की जांच होगी, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें कि पेपर फर्स्ट एंड इधर पेपर टू और स्किल टेस्ट जो कि बेसिकली आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पेपर फर्स्ट जो रहेगा ये आपका 2 घंटे का रहेगा। इसमें आपके 100 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब है बहुविकल्पीय, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो है आपका जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड जनरल रीजनिंग कैरिंग 100 मार्क्स, यानी कि इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर। फिर यहाँ पर जो आपका पेपर टू है डिस्क्रिप्टिव नेचर ऑफ टू होवर ड्यूरेशन फॉर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर टू फॉर एएसआई बेसिकली जो आपकी पोस्ट इन पर डिस्क्रिप्टिव का रहेगा, इसमें आपका एक एससीए राइटिंग होगी 25 मार्क्स के लिए, एक प्रिसिस राइटिंग होगी 25 मार्क्स के लिए, एक लेटर राइटिंग होगी ये भी 25 मार्क्स के लिए रहेगा, एंड 1 कॉम्प्रिहेंशन जो कि 25 मार्क्स के लिए होने वाला है, एंड विल बी कंडक्टेड टू टेस्ट द राइटिंग एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए ये कंडक्ट किया जाएगा। इसमें यहाँ पर बोला कि कैंडिडेट विल हैव चॉइस टू आंसर एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, यानी कि जो आप वहाँ पर एसे लिखोगे या फिर लेटर इनमें से कोई एक आप यहाँ पर दे सकते हैं, सॉरी इंग्लिश और हिंदी इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं इसको लिखने में। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग है उसका टेस्ट भी आपका इसी स्किल टेस्ट में ही लिया जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो समझ आ गया होगा। बात करें आपके सिलेबस के बारे में, तो जो आपकी रीजनिंग है इसमें आपके इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर आपका मेनली फोकस रहेगा स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ETC। इंग्लिश में आपका फोकस रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, हिज राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड, जो कि आपकी पेपर टू के अंदर होगी। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है इस जानकारी को लेकर के, इस भर्ती को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी SSB HC मिनिस्ट्रियल भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।